दोस्तों इधर विष्णु कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज भारत बनाम श्रीलंका के दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से दो बल्लेबाजों ने काफी जमकर लड़ाई की जिनका नाम था सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल। दोस्तों 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच में बेहतरीन साझेदारी हुई। दोस्तों भारतीय टीम के इतिहास के लिए 6वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज अक्षर पटेल उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। दोस्तों एक वक्त ऐसा आया जहां सूर्य कुमार यादव आगे बढ़ गए अक्षर पटेल से, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी से रह गए। दोस्तों मधुशंका की इस गेंद को हवा में खेल बैठे सूर्य कुमार यादव और बाउंड्री पर तैनात फील्डर अक्षर सरंगा ने सिरे से कैच लपक ली, लेकिन इस गेंद को नो बॉल के लिए लगभग 3 से 4 बार चेक किया गया, क्योंकि सरंगा का पैर बाउंड्री से भी टकरा सकता था क्योंकि वो काफी करीब थे बाउंड्री के। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने कई एंगलों से देखा तो इस डिसीजन को आउट दिया गया, तब जाकर सूर्य कुमार यादव आउट हुए। 291 रनों की पारी खेल 36 गेंदों का सामना करते हुए सूर्य कुमार यादव आउट हुए। अगर सूर्य कुमार यादव आउट होते तो ये बेहतरीन तरीके से पूरा मुकाबला बदल कर रखते और पूरा मुकाबला सूर्य कुमार यादव अकेले जीते।